मल्टी किचन पुणे में आज बन रहे हैं दिवाली स्पेशल सूजी के चाशनी के लड्डू। हम आज बनाएंगे सूजी के चाशनी के प्यारे प्यारे लड्डू। शुरुआत करते हैं चाशनी के सूजी के लड्डू बनाने के लिए। सूजी के चाशनी के लड्डू बनाने के लिए हम ये चीनी है, चीनी पैन में डालेंगे। चीनी पैन में डाल दी है। इसी के बाद इससे ये पानी है, ये ऐड करेंगे इसी में। इसकी हम चाशनी बना के लेंगे। सूजी के लड्डू के लिए ये सूजी है, ये कढ़ाई में डालेंगे। इसे थोड़ा ही भूनना है। आप देख सकते हैं एक तरफ हमने चाशनी बनाने के लिए रखी है, एक तरफ सूजी को भून रहे हम। सूजी को ज्यादा नहीं भूनना है, व्हाइटिश कलर में ही भूनना है। जब सूजी का स्मेल आने लगे तब हम इसमें घी ऐड करेंगे। पहले हम इसे ऐसे ही भून लेंगे। चाशनी हमें एक तार के अंदर की बना के लेनी है। एक तार के करीब करीब की चाशनी हमें बनानी है। एक तार की अगर बन गई तो थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें लड्डू बनाने के लिए। एक तार के अंदर की चाशनी बनानी है और यहाँ सूजी भून रही है। देखो ये चाशनी जो हमने बनाने रखी थी उसमें ये शुगर पूरी मेल्ट हुई है। अभी जब हमारी शुगर मेल्ट होती है, ये आपके लिए टिप है, तब हमने इसे और 6 मिनट घड़ी में टाइम लगा के बराबर 6 मिनट हमने इसे उबालना है। 6 मिनट के बाद हम इसे बंद करेंगे। मैं दिखाती जाऊंगी अभी चाशनी हमने कैसे बनानी है आपको, ताकि आपके चाशनी के लड्डू बहुत ही मजेदार और परफेक्ट बने। यहाँ मैंने सूजी भी भून ली है, सूजी का स्मेल आ रहा है, तो इसी में अभी को 4 मिनट हुए हैं। मैंने जैसे बताया आपको कि शुगर चीनी मेल्ट होने के बाद हमें इसे 6 मिनट रखना है। 4 मिनट हुए हैं, हम देखते हैं चाशनी तैयार हुई क्या। इसे ऐसे बीच में लेके हमें एक तार के अंदर की बनानी है। मैं आपको इसका साइन बताऊंगी। ये ऐसी चिपचिपी हुई है। हम और 2 मिनट रखेंगे फिर हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। अभी हम ये जो हमारा सूजी भून रहा है ये पिंकिश हुआ है, हल्का सा गुलाबी रंग आया है इसको। इसी स्टेज में हम इसी में ये पूरा घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम सिम पर रखी है सूजी की, और जब तक ये मिक्स नहीं हो जाता पूरा घी सूजी में, तब तक हम इसे भूनेंगे। याद रखिए फ्लेम हमने सिम पर ही रखनी है सूजी भूनते वक्त। ये मिनट पूरे हो गए हैं, मैंने फ्लेम बंद कर दी है। अभी हम चाशनी को ऐसे लेके थोड़ा सा ऐसे हाथ में लेके, ये गरम रहती है इसलिए मैंने ऊपर पकड़ के देख रही हूं। ये सिर्फ ऐसी बननी चाहिए। ये हमारी चाशनी तैयार हुई। बस मैंने 6 मिनट ही रखा इसे, ज्यादा देर नहीं। अभी हम है इलायची पाउडर इसमें मिक्स करूंगी। ये सूजी हमारा घी में भून के तैयार है, हमने इसे निकाल लिया है। इलायची पाउडर हमेशा थोड़ी सी चीनी में मिक्सी में करना है हमें इसे फाइन। अब हम इसमें ये जो हमारी चाशनी बनी है बहुत ही प्यारी चाशनी, अब हम इस सूजी में के मिश्रण में हम मिक्स करेंगे ये पूरी की पूरी चाशनी। इसे हम पूरा मिक्स करना है इस मिश्रण को, सूजी घी इलायची
स्मेल बहुत ही सुंदर आ रहा है। आप जब खुद करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना टेम्पटिंग है ये। ये पूरा ऐसा मिक्स करना है। आप सोच रहे होंगे इतना पतला बना है, ये जब सूजी ये चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये अपने आप, ये हमारा मिश्रण जो हमने मिक्स किया है ये तैयार है। अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे ढककर, और बाद में इसके सूजी के चाशनी वाले लड्डू बनाएंगे। सूजी का लड्डू का मिश्रण चाशनी वाला हमने रखा था मिक्स करके, चाशनी मिक्स करके, इसे मैंने पूरे 50 मिनट रखा है। इसके बाद मैं इसे अभी मिक्स कर रही हूँ। ये ऊपर से कठिन दिखता है लेकिन जब मैंने इसे मिक्स किया तो ये देखिए ये बिल्कुल महीन है। तो भी अगर आपको डर लगे तो आप है ना इसे मिक्सी पर बारीक कर लेना, मिक्सी पर आप इसे पीस लेना और फिर इसके लड्डू बनाना। अभी मैं आपको इसका लड्डू बना के दिखाऊंगी। मैंने हाथ से इसे जैसे गेहूं का आटा रोटी के लिए गूंथते हैं वैसे ही मैंने इसे गूना है, और बाद में ये देखिए लड्डू अच्छे महीन बन रहे हैं हमारे। ये हमारे तैयार है सूजी के चाशनी के लड्डू, बिल्कुल महीन बना है। इसी में हम ये किशमिश लगाएंगे, किशमिश लगा के फिर से हम ये लड्डू बना के लेंगे। तैयार है हमारा सूजी का चाशनी का लड्डू, बाकी हम लड्डू अभी बना के लेंगे। तैयार है हमारे सूजी के चाशनी के लड्डू। ये लड्डू बहुत प्यारे बने हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये लड्डू बनाते वक्त जब आपको ये कठिन लगे मिश्रण तो आप मिक्सर पर इसे फाइन बना लेना मिक्सी पे, और बाद में अगर ये आपका मिश्रण आपको सूखा लगे, ये आपके लिए टिप है, अगर सूखा लगे मिक्सी पर फाइन बनाने के बाद भी तो आप 2 टेबलस्पून ठंडे दूध की छींटे इस पर मारना और थोड़ा सा इसे गूंदना और फिर लड्डू बनाना। ये लड्डू का मैं आपको टेक्सचर बताऊंगी। ये बहुत ही महीन बने हैं हमारे सूजी के चाशनी के लड्डू। ये टेक्सचर देखिए, ये महीन, एकदम महीन बने हैं, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे ऐसे बने।